इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी, ऐसा हो, इसको हम यूज करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है ऊपर, ये हो जाएगा 0 to a, a इज पाई, और x की जगह हमें डाल देना है पाई माइनस एक्स। ओके, ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में हम देखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस, राइट। और हमारा ये आई आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बट उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सेम बी स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा होता है एनीवे, स्क्वायर उसका पॉजिटिव ही रहना है, तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2। जब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए, ऐड करने पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा और एक्स प्लस पाई माइनस एक्स दोनों कट जाएंगे, हमारे पास एक्स वाला टर्म न्यूमरेटर से डिसअपियर हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, एडिंग 1 एंड 2। आपने देखा प्रॉपर्टी यूज करके हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया है, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर से गायब हो गया। एडिंग 1 एंड 2 के पास आया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से, आई थिंक पाई बाई टू था, इज वॉट पाई और पाई बाई टू, इंटीग्रेशन 0 to पाई, आपके पास ऊपर बचा है सिर्फ पाई, नीचे बचा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इस तरह से, और डी एक्स। अब हमारे पास 0 to a वाली प्रॉपर्टी हम फिर से यूज करना चाहेंगे, लेकिन हम ध्यान से देख रहे हैं 0 से a वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे तो ये इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, ये एफ एक्स के जितना ही रहता है, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, स्क्वायर होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, सिमिलरली मतलब सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी यूज, ठीक है, हम पाई को 2a मान लेंगे। हमारे पास नीचे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, यूजिंग इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to a, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे हमारा एफ एक्स ये फंक्शन है, देख रहे हैं ये सारा फंक्शन हमारा एफ एक्स है, तो एफ 2a माइनस एक्स क्या आएगा, हमें एफ एक्स ही मिल रहा है, देखो डाल के देख लो, पाई माइनस एक्स ऐसे डालोगे तो यही आ रहा है। तो आपका जो इंटीग्रल है 2i क्या आ जाना है, 2i इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से पाई बाय 2, और क्वेश्चन एज इट इज पाई बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन, परफेक्ट। ओके, सो नाउ यू कैन क्रॉस आउट दिस 2 एंड 2, और ये हमारा क्वेश्चन आ गया। जब इस तरह का क्वेश्चन होता था, हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी किया था, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म नीचे हैं, तो इसको हम सेक और टेन में इजीली चेंज कर सकते हैं, वही हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पुट वेल बिफोर वी पुट आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वी राइट
dividing nr and dnr, okay, by cos square. What do we get? We get I is equal to integration 0 to pi. This pi can be taken out, being constant, bar aa jayega. Aur yahan pe aapka ho jayega sec square x divided by, ye ho jayega a square plus b square. Sin by cos karenge to tan square. Okay, so is form mein aa gaya. और ऐसे इंटीग्रल्स तो हमने बहुत करे हैं, बहुत देखे इसके जैसे, राइट? पाई बाई टू है ऊपर, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, ये आपका पाई बाई टू, ठीक है? तो ये आ रहा है पाई, और अभी हम पुट कर देते हैं, अभी हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर रहे हैं? पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी. अगर टेन एक्स टी पुट किया तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आर, पूरा न्यूमरेटर डीटी बन गया. लिमिट भी डाल देते हैं, अगर हमारा एक्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, टी भी टेन जीरो हो गया ना, जीरो हो गया, और एक्स जब पाई बाई टू होगा तो टेन पाई बाई टू क्या होगा, कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन, टेन नाइन टू नॉट डिफाइन होता है ना, तो इस तरह से हमारे लिमिट्स चेंज हो जाएंगे. तो हम क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन आ गया, बाहर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू पाई आउटसाइड इंटीग्रल, वी आर गोइंग जीरो टू इंफिनिटी एंड न्यूमरेटर इज डीटी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर. हाउ कैन वी राइट इट नाउ, इज दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? यस. So a square plus b square means integral of 0 to infinity. You can take b square outside common, 1 by b square dt, either ye ho jayega a square by b square plus 10 square x ko humne t dal diya tha na, sorry yahan t dal diya. ये आपका बी स्क्वायर, एक ही वेरिएबल डालना चाहिए, एक्स रहेगा या टी रहेगा, तो बी स्क्वायर टी ए स्क्वायर, आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये ऐसा बन गया, और यहाँ पे टेन एक्स टी था, ऐसा बन गया. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, लगा देंगे. आपका वन बाई बी स्क्वायर तो बाहर था ही, वन बाई बी स्क्वायर इनटू ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाय ए बाय बी, ऐसा कुछ आया. ये हमारा बी और बी कैंसिल हो रहा है, आपको मिल रहा है वन बाई ए बी, देन मिल रहा है टेन इनवर्स tan inverse b a b t by a, ऐसा मिलेगा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, आपका लिमिट हमें c की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली हम c नहीं लगाते, लिमिट जीरो. ओके, तो अब आपका क्या आ गया है ये क्वेश्चन, a वन बाई ए बी कैन बी रिटर्न आउटसाइड वन बाई ए बी, और आपका अगर टेन इनवर्स इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी रहेगा, माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो ये हो गया वन बाई ए बी. टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू, टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो.